अस्सलाम वालेकुम, हम कैम्ब्रिज लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं, जिस सिलसिले में हम ऑड्रे सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बुक पूरा कोर्स एक साथ कवर कर लेती है। एक ही किताब में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है। तो अगर आप पूरे कोर्स की सारी वीडियोज़ देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सारा कोर्स कवर हो ही जाएगा। तो एक किताब से सोल्यूशन इस किताब में मौजूद है, इसलिए हम ये बुक यूज़ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.9 देखेंगे, अलजबरा की बेसिक्स चल रही हैं। इसमें कुछ रिमाइंडर्स हैं आपके लिए कि क्या क्या अलजबरा आपने 8 क्लास तक कर ली थी, तो वही आ रही है। कुछ नया या मुख्तलिफ या मुश्किल नहीं आ रहा। इतना आसान, तो शुरुआत करते हैं जी। जाहिर है मेरा कोशिश मैं करता हूँ कि सारे सवाल, ज़्यादातर सवाल मैं करवा दूँ, ताकि एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस में आपको मुश्किल ना हो। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे आपको पुश करूँ कि पहले आपको ट्राई करें फिर वीडियो देखें। तो 4 2 8, 9 3 27, और दिस इज़ 4/9 इंटू 3/2, सो दिस बिकम्स 3/2, सो दिस इज़ इक्वल्स टू 2/3। और क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस कुछ मिक्स करके अलजेब्रा के अंदर आपको इन्वॉल्व किया है। देखें, ये ऊपर वाले सारे ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले सारे नीचे वालों से मल्टीप्लाई होते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा, नीचे इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे है ये, ठीक है ना। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। वैसे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन चलें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए पहले खोल के ही दिखा देता हूँ। ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या हो रहा है, यानी और क्या हो सकता था, जो करना नहीं है बस अब करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आपको ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्यूब वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि एक्स वाई ऊपर से वैसे ही कट रहा है। तो आप ये देखिए कि आप इसको लिख सकते हैं एक्स और वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, समझदारी से आपको देखते रहना है कि कहाँ कैंसिल आउट चीज़ें हो सकती हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं, तो उसके साथ साथ उसके हिसाब से ही हम आगे ऑपरेशंस किया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ 8 सवाल हैं, लो भाई। देखिए, ये और ये मिला के एक टर्म बन रही है, तो एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ना। और आखिर में बच जाएगा 1/y। ठीक है, बुक में शायद आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, लेकिन वो शायद बाद वक्त होता है ऐसा कि बुक में क्वेश्चन चेंज करते हैं, आंसर्स को चेंज करना भूल जाते हैं, तो इससे परेशान मत हुआ करें। ये डिवाइड का सवाल है, तो उसमें पहले याद से आपको उसको रेसिप्रोकेट करना है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा किसी भी सूरत में ना। आपके जहन वो सारे फार्मूले होने चाहिए जिन जिन से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार, मेरे पास कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जिससे मैं इसको मज़ीद रिजॉल्व कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ए कह दूँ, वाई स्क्वायर को बी कह दूँ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे सेम टर्म 2 दफ़ा आई है। तो जब सेम टर्म, बिल्कुल सेम टर्म 2 दफ़ा आई, तो इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
सेम टर्म है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को हम कर लेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ए पूरा एक्स स्क्वायर है, बी पूरा वाई स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 और वाई की, माइनस वाई की पावर 4, ये बन रहा है फिलहाल। अब देखें, ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त भी आपकी अप्रोच सही नहीं हो, ये हो सकता है, प्रैक्टिस आप करते रहें तो आपको बहुत दफ़ा ऐसे सवाल मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है कि अब मेरी अप्रोच सही नहीं थी इसमें, मैं एक और अप्रोच से ट्राई करता हूँ। एक्स माइनस वाई ऊपर छोड़ देते हैं ऐसे ही, इंटू एक्स माइनस वाई ऐसे ही छोड़ देते हैं ऊपर, इसको भी आपस में रिजॉल्व नहीं करते। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो लोग लीनियर वीडियोस देख रहे होते हैं वो पूरा सवाल सॉल्व करते हैं इस तरह से, बीच में कहते हैं ओए ये क्या हुआ, आपने वापस कर दिया। कोई बात नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, हो जाता है ऐसा। मुझे लग रहा है कि इसको पहले खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, ए माइनस बी, ये तो एक निकल आया, चलो भैया ये तो कट गया, तो इससे कुछ कुछ निस्बतन सिंपली सिंपलर आंसर आ रहा है। अब इससे आगे बात सिर्फ तब बन सकती थी जब ऊपर इनमें से एक एक्स प्लस वाई होता, तो जो हमें कन्फ्यूजन हुई ना सवाल में, वो उसी वजह से हुई कि सवाल में मेरे हिसाब से गलती है। यानी बाद मतलब सवाल आपको दिए इसलिए नहीं जाते कि सॉल्व ना हो सकें, सवाल सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि सॉल्व हो सकें, तो वो उसमें ऐसा कोई ना कोई लिंक रखते हैं कि जिसकी मदद से सवाल आगे सॉल्व होना होता है। अब अगर ये एक्स प्लस वाई होता तो इससे ये कट जाता, तो आंसर आता 1/(x²+y²)। तो आई बिलीव के सवाल लिखने वाले की मुराद यहाँ पे एक्स प्लस वाई देने की थी, तो ठीक है ये सॉल्व हो गया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7, आप आंसर देखेंगे ना तो आंसर भी आपको ये मिलेगा बुक में, दिस मीन्स के यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं, इसको मैं एक नज़र देख लूँ फिर आगे चलाता हूँ। इस सवाल ने भी कुछ वैसे ही गड़बड़ घोटाला है जैसे इसमें था, दोनों सवालों में कुछ मिसिंग है थोड़ा सा, तो बहरहाल अभी जो सामने सवाल है मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, आगे जो आंसर आ रहा है बस वही आंसर आ रहा है। ये एक्स माइनस वाई है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में टूट जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, ये बच जाएगा आखिर में। कुछ ये लॉजिकल सा नहीं लग रहा सवाल, कुछ थोड़ा सा। ऑड्री सिम्पसन भाई, इतनी तारीफें की थी आपकी, अब देखें कोई सवाल ऐसा निकल के आ गया, अच्छी बात नहीं होती, पर जवाब यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस सवाल को देखते हैं, ये सही लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम बना सकते हैं अपॉन एक्स, देखें 2 × x × 1 2x हो जाएगा, 1² 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, इंटू 1 × x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ना सवाल देते ही ऐसे हैं कि जो सॉल्व हो सके ना, तो यहाँ पे लॉजिक नज़र आ रही है, दिस बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 1/(x+1) का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कट जाएगा, आंसर 1/(x) आ जाएगा लॉजिकली। ठीक है जी, 14.9 डन, जल्दी से कंप्लीट करें जब तक मैं 14.10 बनाता हूँ, यानी 10, और उसके बाद एग्जाम स्टाइल पे आते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।